हेलो फ्रेंड्स, लॉ लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ में पढ़ने वाले हैं। इंडस्ट्रियल क्या होता है, इससे पहले वाली हमने क्लास में पढ़ा लेबर क्या होता है, उसके काइंड्स क्या होते हैं, और आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री। जिदी सी बात है ना कि लेबर के बारे में पढ़ लिया तो इंडस्ट्रियल लॉ, तो इंडस्ट्रियल लॉ में सबसे पहले बात आती है इंडस्ट्री की। तो इंडस्ट्री क्या है उसका मीनिंग जानेंगे, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या, साथ के साथ हम जानेंगे इविल क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन के, और लास्ट वन में हम लोग जानेंगे कि नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या रही इंडस्ट्रियल लॉ और लेबर लॉ बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। तो इंडस्ट्री कहते किसे है भाई, तो उद्योग या इस इंडस्ट्री कहते किसको है, औद्योगिक विकास कहते किसको है, वो सारी चीज। तो मीनिंग क्या, एक इंडस्ट्री, एन इंडस्ट्री इज अ सेक्टर दैट प्रोड्यूस, जहां पे गुड्स रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्री कहलाता है, ठीक है। और एक तरीके से ग्रुप और कंपनी होती है, ठीक है, इंडिकेटर वगैरह करते हैं वो, तो इस तरीके से क्लासीफाई किया गया कि ये इस तरीके से इंडस्ट्री है। उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री क्या। तो हिस्ट्री ये है कि इसको पॉइंट में मैंने कवर किया है यहाँ पे, क्योंकि ये देखा जाता है कि जब ड्यूरिंग 20th सेंचुरी चल रही थी तो उस टाइम पे क्या हुआ, ब्रांच ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस नोन एज इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो वहां पे क्या था कि बिफोर द इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सीधी सी बात, अगर कोई भी चीज शुरू हुई है तो उसका पहले क्या था, तो इसको ना तीन स्टेप में बांट दिया। पहले जो स्टार्टिंग का था वो था 1850 से लेके 1918 तक का, इसको हम बोल सकते हैं प्रीलिमिनरी स्टेजेस। सेकंड आपका स्टेज, पहली स्टेज ये हुई, सेकंड आपकी स्टेज थी 1918 से 1945 तक की, जिसे हम फुल आपका डेवलपमेंट पीरियड बोल सकते हैं। और थर्ड वन स्टेज थी हमारी 1947 की, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद से और आज तक की जो चलती आ रही है वो। तो इस तरीके से तीन स्टेप में बांटा गया, और इसका इफेक्ट आप डायरेक्टली जो कंसिडरेबल है वो क्या है, पॉपुलेशन के ऊपर है। और पहले जो ओल्ड थ्योरी थी ना, ओल्ड थ्योरी में क्या है, मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन होता था भाई। कोई भी इंडस्ट्री है जहां पे गुड्स वगैरह सर्विसेज वगैरह इस तरीके का प्रोड्यूस हो रहा है, कोई चीज का उत्पादन हो रहा है, तो सीधी सी बात है ना लेबर भी होगा। इसीलिए लेबर है इंडस्ट्रियल लॉ, ये दोनों वैसे अलग अलग है, लेबर अलग है और इंडस्ट्रियल लॉ अलग है, बट इसको साथ में इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि जब कोई इंडस्ट्री है जहां पे कोई काम हुआ है तो वहीं लेबर भी चाहिए होगी, वही तो काम करेगी ना। तो पहले की थ्योरी थी मास्टर एंड सर्वेंट वाले रिलेशन के रिस्पेक्ट, फिर उसके बाद उसमें चेंजेस वगैरह भी हुए हैं। तो आप जानते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट सीधा सिंपल ये है इस लॉ को बनाने का ऑब्वियसली, कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस, ताकि जस्टिस हो सके सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, लेबर के लिए भी और इंडस्ट्री के उस पे भी। सेकेंड वन इज प्रोविजन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल वर्कर इरिस्पेक्ट ऑफ कास्ट ग्रीड रिलीजन, उसके हिसाब से या उनकी देयर पर्सनैलिटी के हिसाब से उनको वो जज ना किया जाए। तीसरी बात, प्रोटेक्शन किया जाएगा वीकर सेक्शन जो होंगे कम्युनिटी के, जो वीकर सेक्शन होते हैं उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट मिलेगा, ठीक। फोर्थ वन इज मेंटेनेंस ऑफ जुडिशियल पीस, जुडिशियल पीस एक शांति बनाई रखी जा सके। फिफ्थ पॉइंट है क्रिएशन और कंडीशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी ये जरूरी है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक चीज अगर सिस्टमैटिक वे में चलती है तो बहुत अच्छी चलती है, हर चीज का एक पैटर्न होता है। एंड लास्ट वन इज प्रोटेक्ट वर्कर फॉर एक्सप्लोटेशन, जो शोषण वगैरह होता था ना वर्कर का, ठीक है, उससे वर्करों को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। थर्ड हम बात करते हैं इसमें टाइप्स और क्लासिफिकेशन क्या, क्योंकि यहाँ पे लेबर और इंडस्ट्री हम साथ में पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन किया प्रोटेक्टिव के बेस पे कर सकते हैं, वेजेस से रिलेटेड कि भाई उनकी सैलरी वगैरह क्या रहेगी, किस हिसाब से रहेगा, सोशल सिक्योरिटी उन्हें क्या मिलनी चाहिए वो, वेलफेयर रिलेटेड। एंड लास्ट वन इज मिसलेनियस, जिसमें आपका वेजेस तो आई गया बट क्या टाइम पीरियड रहेगा, ड्यूटी का टाइम पीरियड क्या रहेगा, शेड्यूल क्या रहेगा, अगर कुछ हो जाता तो वो सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर द सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रगल, यहाँ पे फंडामेंटल जो आधारभूत मेन है ना वो फंडामेंटल स्ट्रगल की बात की है। नंबर वन द राइट ऑफ वर्कमैन ऑफ कंबाइन है फ्रॉम एसोसिएशन हो गए, यूनियन हो गए, इनका कंबाइन, तो इनके राइट्स को एक तरीके से ध्यान में देखना। नंबर टू द राइट ऑफ वर्कमैन टू बार्गेन कलेक्टिव फॉर द बेटरमेंट, बेटरमेंट के लिए कि कंडीशन और सर्विस किस तरीके से बेटर हो सकती है वो भी जरूरी है।
वो भी एक स्ट्रगल का यहाँ पे देखने को मिलती है। तीसरी है शिफ्ट फ्रॉम अ डॉक्ट्राइन, एक डॉक्ट्राइन है लेजीज फेयर, ठीक है, तो टू वेलफेयर स्टेट, की एक वेलफेयर स्टेट किस तरीके से हो सकता है। एंड फोर्थ वन इज द स्टेट आई कैन नो मोर बी न्यूट्रल ऑन लोकर बट मस्ट इंटरफेयर एज अ प्रोटेक्टर ऑफ अ सोशल गुड। सोशल गुड किस तरीके से, एक तरीके से काम करता है, सोशल वेलफेयर को भी कहीं ना कहीं देखना पड़ता है। फिफ्थ वन इज मिनिमम स्टैंडर्ड मस्ट बी गारंटेड दो स्टेट लेजिस्लेशन। मिनिमम स्टैंडर्ड तो हर उसका होना ही चाहिए ना। तो ये अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चेंज आया है और बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, बट यहाँ पे कुछ मेन मेन ही है जो मैंने लिखे हैं। तो अब क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है डेवलपमेंट करते थे फैक्ट्रीज वगैरह, लार्ज स्केल पे ना प्रोडक्शन वगैरह होता था बहुत ज्यादा लार्ज स्केल से, और कॉन्सेंट्रेट ना चेंज होते रहते थे सोसाइटी में। ऑब्वियसली बात है चेंज होंगे तो इंडस्ट्री वगैरह में भी चेंज होंगे। और इसका जो ओरिजिनली है ना, जो फैक्ट्रीज का है और स्टीम पावर वगैरह है, ये सारी चीजें, ट्रांजिशन होता था इलेक्ट्रिसिटी वंस इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड डेवलप करने के लिए, कहीं ना कहीं रिवोल्यूशन बहुत हुआ है। क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है ना, अगर कोई चीज बनी है तो उसमें टाइम टू टाइम पे डेवलपमेंट और चेंज होने भी जरूरी है। तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत लंबा टॉपिक है, अगर इस टॉपिक पे अगर हम जाएं तो। उसके बाद हम बात करते हैं इविल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इविल क्या क्या है भाई, बुराई तो भाई सीधी बात है ना, हर चीज में अच्छाई होगी तो बुराई भी होगी। तो बुराई इसमें है इकोनॉमिक और सोशल इवल। इकोनॉमिक इवल कैसे, कि भाई सीधी सी बात है जो आपका मेंटल डेवलपमेंट है, क्रिएटिव टैलेंट है, उस हिसाब से वेजेस वगैरह को लेके काफी सारी ये दिक्कतें आती हैं, कि भाई उस हिसाब से जब प्रोडक्शन होगा उसी हिसाब से वेजेस वगैरह का रहेगा। और सोशल इवल की बात करें तो सोशल इवल में जैसे लाइक आपका वर्कर कंप्लाइंट टू वर्क हो गया, सिक फैक्ट्रियां हैं, वर्कर एंगेज विद मतलब बहुत ज्यादा टाइम के लिए ड्यूटी वगैरह हो रही है, ठीक है ना, लॉन्ग आवर ड्यूटी हो रही है, एक्सपोज किया जा रहा है सीरियस एक्सीडेंट, उनको कोई पहले अगर कुछ हो जाता था काम में तो उतना कोई वो ध्यान नहीं देता था, ठीक है वो एक हादसा था लाइक एक्सीडेंट था बस। बट अब वो सारी चीजें चेंज हुई है, लॉ आया है कि भाई हाँ उन लेबरों को भी राइट होता है कि अगर उनके उस पर है तो उन्हें इतना स्पेसिफिक टाइम लिमिट के लिए भी होगा। पहले बहुत ही बुरी सिचुएशन थी जब हम बात करें अगर स्टार्टिंग के टाइम ऑफ पीरियड की, तो वहां की उस टाइम की कंडीशन 1850 और 1908 में कितने सारे एक्ट आए, वर्कमैन ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक 1860 में आया था जिसमें पीस और वो था उसमें, उसके बाद फैक्ट्री एक्ट भी एक 1890 में आया, फिर उसमें काफी सारे अमेंडमेंट हुए, फेटल एक्सीडेंट एक्ट, ऐसे कर करके बहुत सारे एक्ट जो आए, ठीक है। अब बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया। बात कर रहे हैं लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया, उसमें जरूरत ही क्या पड़ी, नीड क्या है, तो भाई नीड इसलिए है, इट इज नेसेसरी फॉर द हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर ऑफ वर्कर। वर्कर की हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर के लिए इसकी जरूरत पड़ी। सेकेंड, इट एनकरेज द एंड फैसिलिटी द वर्कर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या कि उनको एक एनकरेज किया जाए, उनको एक फैसिलिटी वगैरह प्रॉपर देनी चाहिए। तीसरी बात है इट हेल्प वर्कर इन गेटिंग फेयर वेजेस, जो भाई उनको जितना काम किया उस हिसाब से एक फेयर भत्ता तो मिलना चाहिए ना, पैसे सैलरी कह सकते हैं वो तो मिलनी चाहिए। फोर्थ वन इज इट इंश्योर जॉब सिक्योरिटी फॉर वर्कर। अब ऐसा नहीं है लाइक हम कई बार देखते हैं बस थोड़ा सा काम कराया ऐसे निकाल दिया, पैसे नहीं दिए, तो एक जॉब सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, इसीलिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। फिफ्थ वन इज इट प्रमोट्स वेलकम एनवायरमेंट कंडीशन, एनवायरमेंट की कंडीशन को देखते हुए भी चीजें देखनी चाहिए। सिक्स वन इट इज हेल्प एनफोर्सिंग सोशल इंश्योरेंस एंड लेबर वेलफेयर स्कीम। इस तरीके से लेबर वेलफेयर स्कीम जो निकलती है उसका प्रॉपर बेनिफिट उन लोगों को नहीं मिल पाता, तो इसीलिए यहाँ पे नीड और इम्पोर्टेंस है लेबर लेजिस्लेशन की, इंडिया में तो है। सेवंथ वन इज इट हेल्प फिक्सिंग रेस्ट पॉज एंड वर्क आवर एक्सेट्रा। लाइक अगर आपने देखा होगा कि भाई 8 घंटे का अगर काम है तो उसमें लाइक 2 टी ब्रेक और इस तरीके से काम होता है, या एक रेस्ट पॉज भी जो है वर्करों को देना चाहिए। कॉन्टिन्यूसली एक पर्सन है, मशीन थोड़ी ना कि कॉन्टिन्यूसली काम करता ही रहेगा, तो एक रेस्टिंग आवर भी होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसके वर्क आवर डिसाइड वगैरह होना चाहिए, तो ये सब चीजें होनी चाहिए, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी इंसान क्या करेगा, इस तरीके से वर्कर को रखेगा, लेबर को रखेगा और बहुत ज्यादा काम करवाएगा, तो कहीं ना कहीं लेबर के साथ एक बायस वाली भावना इंसान में आती है, तो जो कि नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है लेबर लेजिस्लेशन की, और इसीलिए लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ बनाए गए हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।